हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सो आज हम आपको सेम पॉइंट फॉर एक्सरसाइज के 8 से 11 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे। एक्सरसाइज 7.4 के 8 से 11 सवाल तक कंप्लीट करवाएंगे। पिछली वीडियो में आपको 7 सवाल तक कंप्लीट करवाए थे। इसके अंदर इसमें जो पिछली क्वेश्चन है उसके अंदर तुल्य भिन्न के बारे में बताया था और उनका सरलतम रूप बना है। ये भी उसी पर डिपेंड है कि इसमें बताना है कि ये दो भिन्न दे रखी है, क्या ये आपस में बराबर है या नहीं, इसलिए ये बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो 8 है उसमें इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, लिखिए, दर्शाइए आपने इन्हें कैसे हल किया है। क्या 5/9, इसमें ए पार्ट है, 5/9 और 4/5 के बराबर है, ये आपने बताया बराबर है, यानी कि इसमें वही तुल्य भिन्न पे इसका प्रयोग किया गया है। अब देखिए, थोड़ा सा हम इसको कोशिश करके देखते हैं कि जैसे हमने पहले हल किया था, इनका लघुत्तम निकाल, यानी कि हर को हर, यानी नीचे वाली संख्या हर, हर को हमने बराबर किया है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 को 5/9 है ना, इसको हम 5 से गुणा कर देंगे और 5 से ही इसको भाग कर देंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 और 5 2 45। दूसरा पार्ट है 4/5, इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम करेंगे 4 3 36 और 5 2 45। देखिए इसके अंदर दोनों हर बराबर है लेकिन अंश बराबर नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये बराबर नहीं है। अतः क्या हो गया, 5/9, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, पहले इसको लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 25/45 बराबर नहीं है 36/45 और इस प्रकार से हमारे पास 5/9 बराबर नहीं है 5/4/5। ये आपका आंसर, ये आपके उत्तर, ठीक है। बराबर नहीं है ये, बराबर यदि है तो ये निशाना जाएगा, नहीं है तो इसको हम कट मार देंगे। इसको इंग्लिश में नॉट इक्वल टू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल, और इसको नॉट इक्वल, बराबर, ये बराबर और ये बराबर नहीं है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखिए, इसका भी पार्ट देखिए, सी पार्ट देखिए, इसका सी इसमें दिया हुआ है 4/5 और दूसरा दिया हुआ है 16/20, ये दिया हुआ, क्या ये बराबर है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम 4/5, हमें यहां पर अंश जो हर है वो 20 है, तो 5 कितने से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, तो हम इसको 4 से गुणा करेंगे और 4 से इसको भाग करेंगे, ठीक है, 4 से ही इसको गुणा करेंगे और 4 से ही इसको भाग कर देंगे। तो अब हमारे पास कितना हुआ, 16 और इसको करेंगे 4 5 20, और दूसरी क्या है 16/20, इसको कितने से 1/1, तो ये 16/20। अब ये दोनों बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, तो इसलिए अतः 16/20 बराबर है 16/20, इसलिए 4/5 बराबर होगी 16/20, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये आपने क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसका 9th क्वेश्चन देखिए, इसके दो पार्ट रह रहे हैं, वो आपको नंबर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है ईला 100 प्रश्न
वाली एक पुस्तक को 25 दिन में पढ़ती है, तो ईला की पुस्तक में कुल वर्ष कितने हैं? 100। ठीक है, पढ़े गए 25, तो कितनी पुस्तक कितनी पढ़ दी उसने? पुस्तक पढ़ी गई 25/100, ये उसकी ईला की आदत। दूसरा है, ललिता ने इस पुस्तक का 1/12 भाग, ललिता द्वारा पुस्तक पढ़ी गई 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि ये बराबर है या नहीं है, ये आपने या किसने ज्यादा पढ़ी है वो बताना। ठीक है, तो यहां पर देखिए कंपैरिजन कर देंगे, ईला द्वारा पढ़ी गई और ललिता द्वारा पढ़ी गई। ये आ गया, ईला द्वारा क्या था 25/100 था और इसके 1/2। अब क्या करें हम, ये 25/100 है, इसके बराबर हमें करना है, तो ये बॉक्स का निशान हो गया। तो या तो आप सिंपल सी बात है कि इनका लघुत्तम निकाल कर भी हम हल कर सकते हैं, लघुत्तम निकाल कर हल करेंगे तो इसका लघुत्तम निकालेंगे। देखिए 2 से यहां है 2 × 2 और 2 × 50 100 आ गया, ये 100 आ गया। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया 25 और यहां कितना हो गया 2 से इसको करेंगे 50। ठीक है, 50 हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया 25/100 और ये 50/100। अब ज्यादा कौन सी बताइए, ललिता की ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है ललिता ने ज्यादा पुस्तक पढ़ी है, तो यहां पर लिखेंगे अतः ललिता ने अधिक पुस्तक पढ़ी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ललिता ने अधिक पुस्तक पढ़ी, ये आपका आंसर है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको अलग मेथड बताया, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, इसलिए मैंने लघुत्तम करके सवाल किया है। ठीक, अब क्वेश्चन 10 जो दिया हुआ है उसमें भी इसी प्रकार से दिया हुआ है। कह रहा है शरीफ रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया और रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग व्यायाम किया, तो किसने लंबे समय तक व्यायाम किया? तो यहां लिखेंगे रफीक ने व्यायाम किया, बराबर है 3/6, और दूसरा है रोहित ने व्यायाम किया, इसने कितना किया है 3/4। अब इसने ज्यादा किया है, प्रश्न अनुसार करेंगे तो 3/6 हो गया ये बॉक्स और ये 3/4। ठीक है, तो अब इसका लघुत्तम लेके करेंगे, ये 24 को 6 जब 24 4 दिया 12, और यहां पर हम करेंगे 4 3 दिया 9, अब 12 ये बड़ा है, तो इसका मतलब अब छोटा किसने है, तो कितने समय तक लंबे समय तक जो काम किया है? नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक, देखिए इसको इससे भाग करेंगे तो 4 6 6 आएगा, 6 18 18, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए दोबारा।
चार से चौबीस को भाग करेंगे छह आएगा, और छह को तीन से गुणा करेंगे तो अठारह आ जाएगा। तो इसको मतलब है ये बड़ा क्वेश्चन अठारह, तो बड़ा मीन्स इसका है ये रोहित का है, तो रोहित ने अधिक व्यायाम किया है। तो यहाँ लिखेंगे अतः रोहित ने अधिक व्यायाम किया। तो इस प्रकार से ही आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो आगे इसी प्रकार देखिए, क्वेश्चन आगे भी दिया हुआ है, उसमें भी इसी प्रकार से दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन 11 जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि ए कक्षा ए में कुल विद्यार्थी है, कक्षा ए में कुल विद्यार्थी 25 और प्रथम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में आए विद्यार्थी 20, ठीक है। तो इनकी भिन्न कितनी हो गई, भिन्न हो गई 20/25। और इसी प्रकार कक्षा बी में कुल विद्यार्थी कितने हैं 30, और प्रथम श्रेणी में आए 24। तो इसकी भिन्न क्या होगी 24/30, ठीक है, ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि अधिक किस कक्षा में अधिक प्राप्त किया है, इसमें आपको बता दें। देखिए अब ये हमारे पास क्या हो गया, प्रश्नानुसार कक्षा ए और कक्षा बी, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि ये कक्षा ए और कक्षा बी, कक्षा ए का कितना था 20/25 और इसका कितना था 24/30, ठीक है। तो इसका लघुत्तम लेंगे हम 25 तीन 75 750 हो गया। अब हम क्या करेंगे 25 को इससे भाग करेंगे, 25 तीन 75 30 आ गया, 30 को इससे गुणा करेंगे 3×6 600 आ गया, और 30 को इससे करेंगे तो हमारे पास ये हो गया, और फिर उसको 24 से भाग गुणा करेंगे, तो 24 से जब इसको गुणा करेंगे तो ये भी 600 हो जाएगा। ये अब देखो यहां पर भी 600 बटा 750 है, और यहां पर भी 600/750 है, दोनों बराबर है, तो इसलिए ये बराबर का निशान आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे दोनों कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुए विद्यार्थियों का भिन्न बराबर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे या कमेंट्स में आप बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय।